नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने जैसा कि सभी को इस घड़ी का इंतजार था, इस पल का इंतजार था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल जो ये हैं, इनमें जो वैकेंसी आने वाली थी, सबको पता था कि ये वैकेंसी आनी है। और 10 फरवरी के इस नोटिफिकेशन ने हम लोगों के उत्साह को और बढ़ा दिया, और हम लोगों ने अब तो तय ही कर लिया कि हमें क्या करना है। तो ये जो एक अवसर हमें मिला है, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है और यहां से निकल जाना है। मतलब ये अवसर का लाभ कैसे उठाना है, सकारात्मक दिशा में उठाना है और हमारे साथ यानी हमारे कोचिंग के माध्यम के साथ जुड़कर आपको कहां पहुंच जाना, आपकी मंजिल तक पहुंच जाना है। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये जो एडेड जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी जो आई है, वो एग्जाम की डेट भी क्लियर कर दी गई है और अप्रैल में जो ये एग्जाम होनी है, इसमें हमने सारी चीजें एक बार क्लियर, मतलब हमारे कोचिंग के माध्यम से आपके पास एक लेक्चर जा चुका है जिसमें वैकेंसीज के बारे में और क्लासेस के बारे में पूरा बताया जा चुका है। तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखेंगे और नीचे जहां पे लिंक दिया गया है उस लिंक को टच करके उस नंबर को चेक कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी उपस्थित अगर हमारे साथ दर्ज करा रहे हैं तो मैंने कैसा बताया कि मेरे कोचिंग परिवार ने तय किया है, जैसे अब तक हम लोगों का टीएचटी पीएचटी के दिशा में सबसे अच्छा प्रयास रहा है, उसी दिशा में एक नया जो पहल हम लोग कर रहे हैं, नया जो हम लोग आपके साथ आपको सफलता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें फिर से हमने नए तरीके से नई रणनीतियां बनाई है। तो हमारे यहाँ रवि सर के माध्यम से आपके पास वो लेक्चर गया है, वो वीडियोस गई हैं जिसमें सारी बातें बताई गई हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे दोहराने की जरूरत है, लेकिन हाँ, वहां लिंक दिया गया है जहां से आप नंबर लेकर कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो ये आज की जो वीडियोस हैं जो आपके पास जाएंगे, आप इस लेक्चर को देखेंगे, ये अब नियमित हमारी कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं। हम विलंब नहीं करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि सिलेबस हमने ढूंढ लिया है, सिलेबस जैसा कि दिया जा चुका है, अगर आयोग ने हमें ये सिलेबस दे दिया है और ये बता दिया है कि एग्जाम करा रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से तैयार हैं कि जल्दी से जल्दी कवर करा के अप्रैल में हम आपको बिल्कुल तैयार करा दें। मतलब हम अपनी तरफ से सारे अस्त्र शस्त्र आपको दे दें कि भैया आप युद्ध की रणभूमि में कूद जाइए और लड़ लीजिए। अगर हम आपका अस्त्र शस्त्र कंप्लीट ना करा पाए तो आप रणभूमि में करेंगे क्या, यही सोचकर हमारे कोचिंग परिवार ने ये कार्य कर दिया है और हम आज से नियमित ये क्लास आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जुड़कर मिलना क्या है, आपको सफलता की किस प्रकार से हम पायदान की ओर ले जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। न जाने ये कितने विश्वसनीय सालों का हमारा आपका साथ रहा है, जिसने क्या किया है, तो जिसने आपके द्वारा, आप जैसे ही छात्रों और आप जैसे दोस्तों के माध्यम से हमें बताया है कि हमारी कोचिंग इतनी बेस्ट क्यों है और हमारी कोचिंग ऐसा क्या कार्य कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। और कहा क्या जाता है कि मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा दूं, मेरी कोचिंग परिवार आपको बहुत पढ़ा दे, लेकिन अगर आपके मन में उत्साह की थोड़ी कमी आ जाए, जैसे आज पहला दिन है और आज हम पहले दिन बड़े उत्साह से आपके साथ मिले और आप भी हमसे मिल रहे हैं कि जी आप लोग जो कह रहे हैं हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे और पढ़कर निकाल लेंगे, ये उत्साह अगर आखिरी एग्जाम के एक दिन पहले तक, दो दिन पहले तक नहीं बना रहा और एग्जाम हाल में उस उत्साह को दोगुना करके आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आप में अपने लिए विश्वास नहीं है तो आप कुछ कर पाएंगे। अगर कहा जाए कि जरूरी नहीं कि आप कोई असंभव से असंभव चीज पा जाइए, तो आपके विश्वास की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, विश्वास के साथ साथ अगर व्यक्ति को निश्चित रूप से सफल होना है तो दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है सही दिशा में मार्गदर्शन। सही दिशा में मार्गदर्शन मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसी कोई संस्थान मिल जाए जो सही दिशा में मार्गदर्शन कर दे, तो वो हम चाहते हैं कि आपके लिए बने और हम चाहते हैं कि आप अपने उत्साह को यही जिस तरह आज आपने पहले दिन दिखाया है उसी प्रकार से बनाए रखें और हमारे साथ नियमित क्लास में जुड़े रहें। हम अच्छे से अच्छी चीजें, वहां भले ही सिलेबस इतनी दी गई हो लेकिन हम उससे ज्यादा चीजें आपको देना चाहेंगे। इसलिए हमने क्या सोचा है, हमने सोचा है कि आपकी क्लासेस को टेक्निकल तरीके से बहुत बढ़िया बनाकर आपको दें। तो इस कोशिश में हम लगे हैं और आपके लिए बस इतना है कि अगर मैं बात करूं सफलता पाने की, तो कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर
अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर मुझे 8 घंटे समय दे दिया जाए कि मुझे कई वृक्ष को काटना है, तो मैं मात्र 6 घंटे उस हथियार की धार को मजबूत करूंगा जिससे मुझे वृक्ष काटना है। तो हमें क्या करना है, उस अप्रैल की परीक्षा की तिथि के पहले अपने हथियार को मजबूत रखना है। और वो हथियार मजबूत कैसा हो, कैसे होगा, हमारे साथ के साथ होगा और आपके उत्साह के साथ होगा। तो उत्साह के साथ बने रहिए, हमारे साथ रहिए, हम आपको उस पायदान की ओर ले जाएंगे जहां आपने एक सपना सजो रखा है। इसलिए क्या करें, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो एडिड विद्यालय की जो वैकेंसी आई है, मैं सिंपल बात करूं, मुझे इसके बारे में बताना नहीं कि मेरे संस्थान ने जितना अच्छा बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलना है। तो मैंने यह आपसे कहा कि यह जो परीक्षा होनी है, यह परीक्षा मात्र और मात्र 2 प्रश्न पत्र के माध्यम से होनी है। इस परीक्षा को 2 प्रश्न पत्रों के माध्यम से बनाया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है ये टोटल 50 क्वेश्चंस का है। और ये क्या है, तो आप भी जानते हैं, ये सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान की चीजें हैं। और सामान्य ज्ञान ये सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए एक समान होगा, सभी के लिए एक समान होगा। इसको सब देंगे, चाहे वो परीक्षा गणित के विषय बनना चाह रहे हो, सामाजिक विषय के अध्यापक बनना चाह रहे हो, चाहे वो विज्ञान के अध्यापक बनना चाह रहे हो, किसी भी विषय के आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं, कॉमन है, ये सबको देना है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है, वो जो है आपका विषयवार यानी आपके क्षेत्र विशेष का, आपके स्पेशल फील्ड का, जो आपका सब्जेक्ट है उसका प्रश्न पत्र है, जो कि 100 प्रश्न क्या है, 100 क्वेश्चन है इसमें। इसमें जो 100 प्रश्न शामिल है, यहां आपके व्यक्तिगत विषय, जिस विषय के आप महारथी हैं, उसकी परीक्षा होनी है। इसी के दौरान याद रखिए, हमने इस प्रकार तैयार किया है कि यह भी आपका तैयार हो और यहां भी चलता रहे। तो इसके दौरान जो सामाजिक विषय है, इस सामाजिक विषय में जो आपका भारतीय राजनीतिक विज्ञान है, भारतीय राजनीतिक विज्ञान है, वो आप मेरे माध्यम से पढ़ेंगे। वो भारतीय राजनीतिक विज्ञान आप मेरे माध्यम से पढ़ेंगे और हमको उसी की ओर चलना है। यानी समय बिना गंवाए, बिना अतिरिक्त बातों को किए, सीधे कहां चला जाए, अपने टॉपिक पे चला जाए जहां से हमें कुछ मिलना है। मैंने इसे भारतीय राजनीतिक विज्ञान क्यों कहा, जबकि ये शब्द केवल और केवल विषय है राजनीतिक विज्ञान। इसमें भारतीय शब्द लगाने का मेरा एकमात्र मकसद था कि ये जो भी राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि हम आपके साथ किस प्रकार पढ़ाई को आगे ले चलेंगे, कक्षा को आगे ले चलेंगे। देखिए, मैंने बताया ये कक्षाएं नियमित आज से आरंभ हो गई हैं, बाकी और चीजें आपको हमारे यहां सबसे, जो भी सिलेबस आपके हैं, जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं, जितनी भी प्रकार के उस नियुक्ति में जो रिक्रूटमेंट में दिया गया, वो सारी चीजें सबसे अच्छे ढंग से क्लियर करके आपको बता दिया गया है। हम केवल क्या देख रहे हैं, हम केवल अब नियमित कक्षाएं देख रहे हैं जिसमें भारतीय राजनीति विज्ञान आप मेरे साथ यानी डॉक्टर ज्योति सिंह के साथ टारगेट विद आलोक के मंच पर खड़े हैं और यहां से हम लोग अपनी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या कहा, तो मैंने बताया मैंने इसे भारतीय शब्द क्यों लगाया, जबकि लगाना नहीं था। मैंने इसलिए आगे लगा दिया कि अब यहां पढ़िए आप संविधान। क्या पढ़ेंगे, संविधान किस देश का पढ़ेंगे, अपने देश का, अपने देश का संविधान पढ़ेंगे। संविधान बनाने की आवश्यकता कैसे पड़ी, एक तो हमने पढ़ा कि वास्तव में जिस चीज को पढ़ना चाह रहे वो है क्या। यानी अगर हम राजनीति की बात कर लें, राजनीति विज्ञान की, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान। और संविधान के तहत ही, दो बात समझ लीजिए, संविधान के तहत ही हम राज्य और नीति समझ लेंगे, राज्य और नीति समझ लेंगे। तो ये शब्द पूरा हो जाएगा जो हमें पढ़ना है, राजनीति विज्ञान। और दूसरा क्या पूरा हो जाएगा, इसके अंतर्गत क्या आते हैं सिलेबस, वो पूरा हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान के पूर्व की स्थित
संविधान के पूर्व की स्थिति क्या था अब आपको याद होगा और आपने स्नातक के समय ही पढ़ा होगा अथवा आप में से बहुत से लोग परीक्षा जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि संविधान के पूर्व की स्थिति कहलाती है भारत का संवैधानिक काल का विकास। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में जिस परीक्षा में ये पूछा ना जाए। भारत का संवैधानिक काल का विकास मतलब राजनीति क्या है, राज्य और नीति क्या है, हमने इसको देख लिया, यानी हम इसको देखेंगे, देख लिया समझ लीजिए राज्य और नीति। प्लस हमने क्या किया, हमने बात दिया कि भैया पहला हम पढ़ रहे हैं संविधान, फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों, क्या देश सही से चल नहीं रहा था, क्या अगर संविधान ना बनाया जाए तो किसी देश में क्या जीवन नहीं रहेगा, क्या लोग ये नहीं जानते कि मैं इस देश का हूं, मेरे कुछ अधिकार है, क्या संविधान बनाना बहुत आवश्यक था, इस पे चर्चा करेंगे। फिर मैंने कहा तीसरी क्या कड़ी होगी, संविधान के पूर्व की स्थिति, पहले तो ये पेन है, पेन क्यों बनाया गया और पेन के पहले की कंडीशन क्या थी, जब तक पेन नहीं था तो लोग हाथ से, लोग चाक से लिख रहे थे, वो बता रहा है भारत का संवैधानिक काल का विकास। और भारत का संवैधानिक काल का विकास जो बता रहा है वो क्या कह रहा है, भारत का संवैधानिक काल का विकास कह रहा है कि किस प्रकार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, किस प्रकार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ दो तीन युद्ध भारत में महत्वपूर्ण लड़े और संधियां की, और संधियां करने के बाद वो व्यापारिक संस्था, वो व्यापारिक कंपनी प्रशासनिक की ओर मुड़ गई, हम इस पर चर्चा करेंगे। और प्रशासनिक की ओर मुड़ने के बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पहली बार कंपनी के लिए एक लिखित चार्टर एक्ट आया, एक लिखित चार्टर एक्ट आया, किसके लिए आया, कंपनी के लिए, 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट लाया गया। 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट भारत के लिए नहीं था लेकिन था कंपनी के लिए, मगर इस चार्टर एक्ट ने भारतीय संविधान की पहली सीढ़ी बना दी जिसमें नियम और कानून बन के आते गए और धीरे धीरे यही नियम कानून भारतीयों ने अपने लिए अपने हिसाब से मांगना आरंभ कर दिया, भारतीयों ने स्वराज की बात कर दी आगे चल के। अब क्या हुआ बाद में, 1947 का अधिनियम आ गया और 250-300 वर्ष की दास्ता के बाद भारत क्या हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया और भारत ने अपना संविधान बना लिया। तो संविधान बनाने की आवश्यकता, संविधान के पूर्व की स्थिति भारत में क्या थी, किस प्रकार भारतीय अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे थे, मांग वही कर रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसी एकजुट एक विशाल जन समुदाय के माध्यम से जाएंगे तब सफल होंगे, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। फिर क्या होगा इसके बाद, जो महत्वपूर्ण अंग है, जो एक आधारशिला है जिसपे पूरा का पूरा संविधान रूपी महल खड़ा है, हम किसकी बात करेंगे, तो संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका अथवा आमुख अथवा प्रीएम्बल की बात करेंगे। मैंने इतना नाम इसलिए लिया कि किसी भी नाम से पुकारा जाए, किसी भी नाम से जाना जाए, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इतने नामों से जाना जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा, ऐसी सभा जो एक संप्रभु निकाय थी, ऐसी सभा जो एक संप्रभु निकाय थी, जो क्या कर रही थी, तो जो भारतीयों की इच्छाओं को, भारतीयों की आकांक्षाओं को एक नया आह्वान दे रही थी, एक नया प्लेटफॉर्म दे रही थी जिस पर बैठकर भारतीय अपने लिए, अपनों के लिए और अपने देश के लिए नियम और कानून का निर्माण कर रहे थे, हम इसको देखेंगे। फिर जब हम इसके आगे बढ़ेंगे संविधान सभा के आगे, तो अब हम कहां आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अनुसूचियां, स्रोत, यानी भारतीय संविधान इतना विशाल हो गया, इतना विशाल क्यों हुआ, कैसे भारतीय संविधान ने अन्य देशों से चीजें ली, तो क्या वो जो अन्य देशों से चीजें ली गई थी भारतीय संविधान किसी अन्य देश का नकल है, क्या ये भारतीय संविधान भानुमति का कुनबा है, क्या भारतीय संविधान कॉपी या पेस्ट है अथवा भारतीय संविधान किसी अन्य देश की नकल है, ये सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। स्रोत, अनुसूचियां,
भाग समितियां जो बनाई गई है, हर समिति के अपने अध्यक्ष थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। ऐसी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, जिस भी एग्जाम में आप जाएंगे इन सब चीजों से एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कहां आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, और हम फिर अपने आगे बढ़ते जाएंगे। आपके पूरे सिलेबस को टच किया जाएगा, आपके पूरे सिलेबस को टच किया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। हो सकता है बोर्ड में वो चीजें ना आ पाए, हो सकता है बोर्ड में मैंने जो लिखा है पूरी चीजें ना आ पाए, लेकिन सिलेबस आपके हाथ में है, सिलेबस आपके हाथ में होगा भी, हम सिलेबस भी आपको देंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ते चले जाएंगे, एक एक टॉपिक को उठा के हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए क्या है, मैंने आपको बता दिया कि अब नियमित कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं आज से, और आपको क्या करना है, तो आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ ऑफर, मतलब जल्दी से जल्दी आप क्या करें, अपनी सफलता की सूची बना लें कि इस प्रकार आपको एडमिशन लेकर त्वरित कार्यवाही शुरू कर देनी है। एग्जाम का समय देर नहीं है, एग्जाम के लिए कहीं भी देर नहीं है। और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो अपने अस्त्र शस्त्र का पहले ही प्रयोग करना शुरू कर दे, क्यों? क्योंकि उसे महारथी बनकर युद्ध में उतरना है, तो आपको वही बनकर उतरना है। बात समझ में आ रही है, सफल होना है। और इस सफलता के लिए सबसे अच्छी चीज जान लीजिए, सफलता का सबसे अच्छा सूत्र होता है पहले अपने अंदर उत्साह लाना। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य होता है चीजों को बारीकी से देखना कि कहां मुझे अच्छी चीजें मिल रही है। जरूरी नहीं कि आपको मैं कह दूं कि ठीक है, नहीं नहीं आप यहीं पे आइए, आप देखिए कहाँ आपको अच्छी चीजें मिल रही है, आप लीजिए। और मुझे पता है, मेरा उत्साह कहता है, मेरी ईमानदारी ये कहती है कि हम आपको अच्छा देंगे और हम वो देना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे जो लिंक दिए गए हैं वहां जाना है और उसके बाद हमारे कोचिंग संस्थान में बात करनी है और फिर जाके अपने आप कार्य को नियमित कक्षाओं के साथ चलते रहिए। तो देखिए, हमने राज्य और नीति दो शब्द से राजनीति बनाई है, राज्य और नीति दो शब्द से राजनीति बनाई है। तो आप लोगों ने इसको मुझे लग रहा है नोट कर लिया होगा इसको, ये जो है ये थोड़ा सा हमने आपको एक रूपरेखा बता दिया है, हमने अपने पढ़ाने की स्ट्रेटेजी बता दी है कि हम इस प्रकार इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, याद रखिएगा ये लेक्चर में पढ़ाते समय जो हम यहाँ पे आपको देंगे नोट्स बोर्ड पर, उसके अलावा भी आपको नोट्स हमारे संस्थान से मिलता रहेगा, काफी अच्छा मिलेगा, जो आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको कवर करेगा। यानी एडेड जूनियर ये जो स्कूल के लिए निकली है परीक्षा, ये परीक्षा बहुत कड़ी नहीं होगी आपके लिए, आपको वो मैटर्स मिलता रहेगा। तो अब आइए देखते हैं, मैंने दो शब्द बोला था, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे, बोला था राजनीति विज्ञान, ये क्या है, ये सामाजिक विषय का एक अपना पार्ट है, एक अपना पार्ट है। हम इसे नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। हम इसमें किसकी बात करते हैं, तो हम इसमें समाज में रहने वाले नागरिक के अधिकारों की बात करते हैं। कैसे अधिकार, तो उसके कई अधिकार होते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार होते हैं जो समाज में उसकी अपनी शाख बढ़ाते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को, व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं एक समुदाय का नेतृत्व करूंगा। यानी ये क्या है, ये अधिकारों का विज्ञान है, ये अधिकारों का विज्ञान है जहां मानव अपने अधिकारों की बात करता है। तो ये राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस नीति, राज्य प्लस नीति। राज्य क्या है, तो एक निश्चित भूक्षेत्र, एक निश्चित भूक्षेत्र जहां हम आप रहते हैं, यानी कुछ नागरिक है और एक निश्चित एरिया है, क्षेत्रफल है, निश्चित क्षेत्र है जहां पे नागरिक रहते हैं। और ये नागरिक क्या करते हैं, तो ये नागरिक अपने अधिकारों की बात करते हैं और अपने अधिकारों के लिए एक नेतृत्वकर्ता ढूंढ लेते हैं, ये अपने अधिकारों के लिए एक नेतृत्वकर्ता ढूंढ लेते हैं कि भैया हम सब मिलकर आपको अपना नेतृत्वकर्ता चयनित कर रहे हैं, आप हमारे लिए कार्य करें, आप हमारे लिए कार्य करें। इसका मतलब हमने आपको बना दिया है, किसके लिए बनाया है,
अपने विकास के लिए बनाया है, और अपने विकास के लिए बना इसलिए आप हमारे लिए कार्य कर दें। फिर क्या कह रहे हैं, और हमने आपको बनाया है नेतृत्वकर्ता, तो आप मेरे लिए क्या है, संप्रभु हैं। हमने अपनी सारे अधिकार आप में समाहित कर दिए हैं, हमने अपने सारे अधिकार आप में समाहित कर दिए हैं, आप क्या करें, हमारा विकास करें, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और हमें ले चले। तो ये था राज्य, और इस राज्य को चलाने के लिए जो नेतृत्वकर्ता था वो संप्रभु था, वो संप्रभु था, और उस संप्रभु व्यक्ति ने, उस संप्रभु नेतृत्वकर्ता ने जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, जो नियम और कानून बनाए वो क्या थे, तो वही नियम और कानून नीतियां थी, और वही क्या कहलाई, राज्य की नीति, राज्य की नीति अर्थात राजनीति, जिसे हम आप पढ़ेंगे। नीति क्या थी, तो नीति कहती है हमारे यहां एक संविधान होना चाहिए। संविधान का मतलब ये नहीं हो जाता है कि लिख दिया गया और वो संविधान बन गया, एक पवित्र ग्रंथ है वो दस्तावेज है इसलिए संविधान बन गया। अभी तो हमें संविधान को पढ़ना है, अभी तो हम केवल आपको ऐसे शब्द बता रहे हैं। यानी राज्य में रहने वाले नागरिक थे जिनका अपना कुछ क्षेत्रफल था, कुछ इकाई थी जो बटा हुआ था। कैसे बटा, तो उनको पता था कि मेरा ये दायरा है, मेरा ये क्षेत्र है, मैं इस राज्य का निवासी हूं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन सब ने मिलकर, इन नागरिकों ने मिलकर अपने लिए एक नेतृत्वकर्ता ढूंढ लिया, और नेतृत्वकर्ता से क्या कहा, इन लोगों ने नेतृत्वकर्ता से कहा कि भैया आपको हम संप्रभुता दे रहे हैं, अपने सारे अधिकार आप में समाहित कर दे रहे हैं, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करिए और हमें, हमारे राज्य में नियम कानूनों के तहत हमारे लिए नियम कानून बनाइए जिससे हम संचालित हो सके। अब वो जो नियम कानून बने वो क्या थे, वो नीतियां थी जिसे पालन करना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर है, ये था एक छोटे शब्दों में आपके लिए राजनीति का मतलब। इसी राजनीति के माध्यम से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका एक स्पेशल विषय है, जो आपके अपने फील्ड है, जिन पे आपके 100 नंबर आधारित है, और ये ऐसा बताया जाएगा जो आपके सामान्य ज्ञान को भी कवर करे, जो आपके सामान्य ज्ञान को भी कवर करे। इसका मतलब आपका आकलन करना होगा कि हमें क्या चीजें मिल रही हैं। भारतीय संविधान, अगर हम इसकी बात करें तो संविधान का मतलब होता है समधन विधान, समधन विधान। क्या मतलब है समधन विधान, सम मतलब समान, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम या कानून। मैंने दो चीजें लिखी, मैंने आपसे बताया कि संविधान का मतलब होता है समधन विधान, सम मतलब होता है समान, और विधान मतलब होता है नियम अथवा कानून। नियम क्या है और कानून क्या है, इसका फर्क यही समझ लीजिए। नियम होता है जो बाध्यकर ना हो, जो बाध्यकर ना हो, अथवा जिसके पीछे दंड का विधान ना हो। मतलब हेलमेट लगा के जाइए, यह आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब जब आप निकलिए दो पहिया वाहन से, तब तब आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट का प्रयोग करिए। आप और हम क्या करते हैं, आराम से कोई गली देखते हैं जहां से सुरक्षा के साथ निकल जाए, बस पकड़ में ना है। क्या हुआ, वो नियम था ना, हम अब बच रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, बच रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर आया कि जो हेलमेट लगाए ना मिले 500 जुर्माना, 500 जुर्माना। फिर लाइसेंस नहीं है तो जब्त कर लीजिए गाड़ी, अब ये जवाबदेही है, ये जवाब दे। क्या हुआ, आप या तो हेलमेट पहन के गाड़ी लेके जाएंगे, अन्यथा आप पैदल जाएंगे, किसी अन्य साधन से चले जाएंगे, लेकिन आप नियम नहीं तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब उसके पीछे क्या हो गया, ऐसा नियम बाध्यकर हो गया
ऐसा नियम बाध्यकर हो गया और ऐसे नियम के पीछे दंड का विधान हो गया। यानी जिस नियम के पीछे, जिस भी संचालित नियमों के पीछे दंड का विधान हो और ऐसा नियम बाध्यकर हो, मानना अनिवार्य है, वो कानून है, और जिसे आप नहीं मानते वो बाध्यकर नहीं है, उसमें दंड का विधान नहीं है, तो क्या होता? नियम, घर वालों ने नियम बना दिया कि भैया सुबह उठिए पढ़िए, भैया सुबह उठिए पढ़िए, आप कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते। नियम अगर ये बन जाए कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आप हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा 7 बजे उठकर पढ़ाई नहीं करेगा वो किसी एग्जाम को नहीं दे पाएगा, बाध्यकर था। और दंड क्या था? एग्जाम नहीं दे पाएगा, आप आराम से 6:30 उठ जाएंगे, 7 बजने की बात नहीं है। बात समझ में आया? नियम कानून क्या है, संविधान क्या है, सब प्लस विधान, समान विधान मतलब कानून या नियम। कानून क्या है? जब आप किसी कार्य को कर रहे हो वो कार्य करना अनिवार्य है अथवा ना करना अनिवार्य है। जैसे बिना हेलमेट के जाना क्या है? आपके लिए दंड है, बाध्यकर है, आप नहीं जा सकते। जाना अनिवार्य है यानी आपकी सुरक्षा हो सकती है, इसलिए क्या है? जब दंड हो, जब बाध्यकर हो तब वो कानून है, जब दंड ना हो, जब बाध्यकर ना हो तो वो नियम है। क्लियर है? अब देखिए, समधन विधान यानी ऐसा विधान जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, ऐसा विधान जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। इसका मतलब आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, संविधान एक ऐसा लिखित और मौलिक दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा लिखित और मौलिक दस्तावेज है जो किसी भी राज्य में, जो किसी भी देश में वहां की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, वहां के शासन व्यवस्था को संचालित करता है, जिसके द्वारा सरकार के तीनों अंगों का निर्माण होता है। संविधान क्या है? तो संविधान अथवा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है। एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है, आप कह सकते हैं एक विधिक पवित्र ग्रंथ है, एक विधिक पवित्र ग्रंथ है। जिसके द्वारा किसी भी देश का, जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन संचालित होता है। एक ऐसा लिखित और मौलिक दस्तावेज है। मौलिक क्या है? मौलिक मतलब अनिवार्य, लिखित मतलब जिसमें सरकार के तत्व कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सरकार का स्वरूप, शासन की प्रणाली, न्यायपालिका की निष्पक्षता और सर्वोच्चता, ये सब क्या हो? लिखित हो, मेंशन हो, अर्थात ये परंपराओं के माध्यम से विकसित नहीं हो रही है, ये लिख दी गई और बाध्यकर है, सबके लिए समान रूप से बाध्यकर है, सबको मानना अनिवार्य है। तो क्या कहा इन्होंने? एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है अर्थात एक विधिक पवित्र ग्रंथ है जिसको सभी को मानना है। फिर क्या कहा इन्होंने? ऐसा लिखित मौलिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन संचालित होता है। संविधान एक ऐसा लिखित ग्रंथ है जो सरकार के तीनों अंगों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सरकार के तीनों अंगों का निर्माण करता है। तीनों अंग कौन से? विधायिका, कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों का निर्माण करता है
और यही नहीं, इन तीनों अंगों का निर्माण भी करता है, इन तीनों अंगों को शक्तियां भी प्रदान करता है, इन तीनों अंगों को संचालित भी करता है और इन तीनों अंगों पर नियंत्रण भी स्थापित करता है, इन तीनों अंगों पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। कैसे करता है ये देखिए, विधायिका मतलब है लेजिस्लेचर, कार्यपालिका मतलब है एग्जीक्यूटर, न्यायपालिका मतलब है जुडिशियरी। यानी हम तीन की बात कर रहे हैं और मैंने बताया तीनों को संविधान शक्ति प्रदान कर रहा है, तीनों को संविधान संचालित कर रहा है, तीनों को संविधान नियंत्रित कर रहा है। और ये तीनों क्या है, तो ये तीनों सरकार के अंग है। सरकार कौन है? सरकार एक संप्रभु सर्वोच्च आदर्श है जिसको राज्य के नागरिकों ने मान्यता देकर संप्रभु बनाया है। और सरकार किसको नियंत्रित कर रहा है? सरकार राज्य को नियंत्रित कर रहा है। और सरकार को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो सरकार को हमारा संविधान नियंत्रित कर रहा है। बात समझ में आई? राज्य को सरकार नियंत्रित कर रहा है, सरकार को हमारा संविधान नियंत्रित कर रहा है और सरकार के जो तीनों अंग है उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहा है, शक्ति दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि जिस उद्देश्य से, जिस आकांक्षा के कारण हमारे देश की जनता ने अपने देश के संविधान का निर्माण किया है, उनको क्या करिए? उनकी पूर्ति करिए, उनकी सहायता करिए, उन्हें अधिकार दीजिए, उन्हें संरक्षण दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान आपके ऊपर नियंत्रण रखता है और संविधान आपको क्या कर सकता है? संविधान आपको अपनी शक्ति के द्वारा इस कार्य को करने के लिए बाधित कर सकता है। क्लियर है? अब देखिए क्या है, हमने बात की सरकार के तीनों अंग की, जिसमें मैंने कहा कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा मैंने आपको बताया था न्यायपालिका। विधायिका क्या है? तो ये देश हित में, विधि बनाने वाली संस्था है। यानी देश के लिए विधियों का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? विधायिका है। मैंने इसीलिए देश हित शब्द लिख दिया है। यानी कैसा बनाएगी? तो ऐसी विधियां, ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाएगी जिसके द्वारा देश की विधियां संचालित हो, देश में लोगों का कल्याण हो और देश में संविधान समान रूप से सबके बीच जीवित रह सके। विधायिका ये कार्य करेगी। ऐसी बनाई गई विधियों को लागू कौन कराएगा? तो ऐसी बनाई गई विधियों को लागू कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो लागू कराने वाली संस्था का नाम एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका है। बनाई गई विधियों को लागू कराने वाली संस्था का नाम कार्यपालिका है। यानी विधायिका ने क्या किया? विधायिका ने विधि बनाया, कार्यपालिका ने ऐसी बनाई गई विधियों को लागू किया, अब देखिए बात करते हैं हम न्यायपालिका की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यायपालिका की। एक सर्वोच्च और निष्पक्ष संस्था, जो ये देखती है कि जो विधायिका विधि बनाई है, विधायिका ने जो विधि बनाई है, क्या वो संविधान और शासन के अनुरूप है? क्या वो देश हित में है? क्या वो जनता की आकांक्षाओं को पूरी करती है अथवा नहीं? फिर ये देखती है न्यायपालिका कि क्या कार्यपालिका ने जैसी विधि बनी थी, जो देश हित में थी, उसको सही ढंग से लागू कराया है, अन्यथा नहीं लागू कराया है। इसका मतलब न्यायपालिका निष्पक्ष हो गई और सबसे मजबूत प्रणाली हो गई, जिसके अधीन कौन हो गया? जिसके अधीन कार्यपालिका और विधायिका दोनों हो गए। क्लियर है? इसका मतलब न्यायपालिका जो निष्पक्ष है, जो स्वतंत्र है, जो सर्वोच्च है, जो संप्रभु है, वो क्या कर सकती है? तो वो मनमाना कर सकती है, तानाशाह बन सकती है। कैसे बन सकती है? न्यायपालिका ने कहा भैया तुमको तो हम ही संचालित करते हैं,
हम तुम्हें भी हम ही संचालित करते, इसलिए हम तुमसे तो सर्वोच्च है और हम सर्वोच्च है तो मनमाना करेंगे। जब जब न्यायपालिका मनमाना करती है तब तब संविधान खड़ा होकर बोल देता है कि आप मनमाना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शक्ति प्रदान की है और अगर आप मनमाना करेंगे तो मैं दी गई शक्ति छीन लूंगा, मैं दी गई शक्ति छीन लूंगा। इसलिए क्या कहा जाता है, संविधान एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसकी अपनी विधिक विधिकता है, जो विधिक में प्रमुख है, ऐसा लिखित मौलिक दस्तावेज जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन संचालित होता है, जिसके द्वारा सरकार के तीनों अंगों का निर्माण किया जाता है और ये तीन अंग मिलकर राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरी करते हैं। जिस जनता ने अपनी आकांक्षाओं अपने उद्देश्यों को पाने के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया था उनके उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। उन तीनों अंगों का निर्माण कौन करता है? संविधान करता है। और निर्माण ही नहीं करता, इन्हें शक्तियां और नियंत्रण करने की क्षमता भी प्रदान करता है। लेकिन जब जब ऐसी शक्तियां जिन कौन है जो राज्य जो सरकार के तीन अंग है, ऐसी शक्तियां अनियंत्रित होने लगती हैं तब तब संविधान जागृत हो जाता है और उसे नियंत्रित भी कर लेता है। इसलिए संविधान क्या करता है, तो संविधान सरकार का और सरकार के अंगों का निर्माण करता है। सरकार कौन है? सरकार राज्य को संचालित करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। सरकार राज्य को संचालित करने वाली एक सर्वोच्च अथवा संप्रभु संस्था है। राज्य कि जितने नियम होते वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार पर नियंत्रण कोई करता है तो वो संविधान करता है। इसलिए संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून माना जाता है। सारे कानून उसके अधीन होते हैं, सारे कानून उसके अधीन होते हैं। विश्व में सबसे पहली बार संविधान अगर बना कहीं तो इंग्लैंड में बना। कहां बना? इंग्लैंड में बना। इसीलिए ब्रिटिश को सभी संविधानों की जननी कहा गया है। और इतना ही नहीं, दूसरे शब्द में ब्रिटिश को संविधान की मां कहा गया, यानी संविधान को उत्पन्न करने वाली एक ये देश है। और फिर क्या कहा गया है, याद रखिएगा, दो अलग चीजें हैं जो ब्रिटिश को उपाधि मिली है, संसद की जननी, संसद की जननी ब्रिटिश कहलाती है, और संविधानों की भी जननी कौन कहलाती है? तो ब्रिटिश कहलाती है। यानी ब्रिटिश कहलाती, मेरे कहने का मतलब यार देश से नहीं था, एक ऐसे सर्वोच्च निकाय से था जिसने पहली बार इसको बना दिया है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में इसका विकास हुआ है। इंग्लैंड में जो भी संविधान था वो अलिखित था, जो भी संविधान था वो अलिखित था। सबसे पहली बार लिखित और सबसे छोटा संविधान किसी का है तो वो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान लिखित भी है और सबसे छोटा संविधान। क्लियर? अलिखित संविधान और लिखित में क्या फर्क होता है? तो आप कह सकते हैं कि अलिखित संविधान जो होता है, जैसे ब्रिटेन में, ब्रिटेन में क्या है, तो परंपराओं के विकास के माध्यम से नियमों का उत्पादन हुआ है। मतलब संविधान का निर्माण वहां कैसे हुआ है, तो परंपराओं के विकास के माध्यम से। मतलब जो रीति रिवाज थे, जो परंपरा थे, वो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, और आगे जब ये बढ़ती गई तो परंपराएं विकास के रूप में निर्मित होती गई और वही विकास वो नियम कानून बनकर लोगों के बीच चलने लगे, और जो चलने लगे उसको उन लोगों ने संविधान मान लिया। यहां किसी भी प्रकार के लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि लिखे नहीं जाते। अलिखित संविधान का मतलब यह नहीं होता कि लिखे नहीं जाते। कुछ चीजें वहां लिखी जरूर होती हैं, लेकिन इन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है, क्योंकि कि वो कार्यों के माध्यम से, व्यवहारों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से विकसित होते हैं। यानी पहले लिखे नहीं जाते कि लिख दिए गए तब कानून बना तब आप उसका यूज करें। अमेरिका का संविधान कैसा है, तो पूर्ण रूप से लिखित है। जिसने बताया कि मैंने संविधान को लिखा है, तो लिखित होने का मतलब क्या है, याद रखिएगा, लिखित होने का मतलब है ऐसा संविधान जिसमें उद्देशिका पूर्ण रूप से लिखित दिखनी चाहिए। उद्देशिका पूर्ण रूप से लिखित दिखनी चाहिए। इसके अलावा न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता,
केंद्र राज्य के बीच संबंध, ये सारी चीजें पूर्ण रूप से लिखे होने चाहिए, लिख के पहले ही विभाजित कर दिए जाने चाहिए और लिख के पहले ही उसे किसी अन्य प्रावधान में रख दिए जाने चाहिए। जैसे अनुसूची एक ये कहती है, अनुच्छेद एक ये कहता है, भाग एक ये कहता है, हमने पहले लिख दिया और क्या कहा, अब आप इसे पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते रहे, और यही क्या था, लिखित संविधान था। बात समझ में आ गई, यानी संविधान का हमने अभी स्वरूप पढ़ा कि संविधान किसी भी देश की सबसे सर्वोच्च विधि, सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। संविधान लिखित अलिखित दोनों हो सकती है। संविधान किसी भी देश के नियमों कानूनों को संचालित करती है, एक लिखित और मौलिक दस्तावेज होती है। बिना संविधान के, यानी बिना संविधान के किसी भी देश का शासन चल नहीं सकता। अब समझिए संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तो हमने पढ़ा संविधान क्या है, अब संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं भारत की, या आपको कोई देश, जो देश आपको लगता हो कि अभी तक वो दूसरे के द्वारा शासित था, वहां रंग भेद, नस्ल भेद, इस प्रकार की चीजें थी, वहां निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग खड़ा था, वहां लोग धर्म जातियों में बटे हुए थे, कोई नियम कानून नहीं था, यानी सत्ता का जो केंद्र था वो बाहुबलियों के हाथ में था, पूंजीपतियों के हाथ में था, और वो जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार वहां नियम कानून बनाकर अपने यहाँ के लोगों को, आम जनता को, वो नियम कानून द्वारा संचालित करते थे। तो अगर संविधान क्यों बना, इस पर बात की जाए, तो सबसे पहले, ठीक है हम नेपाल नहीं गए, हम अमेरिका नहीं गए, हम किसी भी देश में नहीं गए, लेकिन हम उस देश के बारे में जानते जरूर हैं। कैसे जानते हैं, तो हम उस देश का इतिहास पढ़ के जानते हैं कि वो देश कहां स्थित है। हम उस देश का इतिहास और उस देश के भूगोल के आधार पर, भौगोलिक आधार पर ये जानते हैं कि वो देश गर्म देश होगा, ठंडा प्रदेश होगा, सब जानते हैं। लेकिन उस देश के नागरिक जीवन कैसे जीते हैं, उस देश के नागरिक अपने हर शासन के साथ चलते कैसे हैं, इस बात की, यानी उस देश के नागरिकों का दैनिक जीवन क्या है, उनके यहाँ रोजमर्रा की चीजें किस प्रकार चल रही हैं, इन सब के बारे में जानकारी एकमात्र जगह से होती है, संविधान से। और संविधान ही एकमात्र ऐसा निकाय है जो हमें यह बताता है कि किसी भी देश में संविधान अलिखित है कि लिखित है। शासन का स्वरूप संघात्मक है, एकात्मक है, तानाशाह है, राजतंत्र है, या वहां पे लोकतंत्र है। संविधान से यह पता चलता है कि किसी भी देश के आर्थिक मामलों में, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश की हस्तक्षेप हो रही है कि नहीं, इसका मतलब वो देश संप्रभु हुआ है अथवा नहीं। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण वो देश स्वयं कर रहा है या किसी अन्य देश के द्वारा संचालित हो रहा है, जिससे पता चलता है कि वो देश स्वतंत्र हुआ है, संप्रभु हुआ है, कि वो देश गुलाम है। इसका मतलब संविधान एक साख है, एक क्रेडिट है, जो किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, जो किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो अब संविधान क्या है, संविधान बनाया क्यों गया, हमने बता दिया। अब बनाया क्यों गया कि कड़ी में ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में 250-300 वर्षों तक हमने अंग्रेजों से दास्ता सीखी, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के दास बने रहे। फिर उसके पहले चले जाइए तो वाह आक्रमण होते रहे, लोग आते रहे, शासन सत्ता पे उनका राज्य रहा और हम उनके द्वारा शासित होते रहे। मतलब अगर कहा जाए, इस क्रिश्चियन आ रहे हैं तो अपने हिसाब से हमें शासित कर रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं हमें अपने हिसाब से शासित कर रहे हैं, अन्य देश खिलजी वंश, तुगलक वंश, जितने आपको वंश दिखे सब अपने हिसाब से हमें शासित कर रहे हैं और हम शासित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई नियम कानून नहीं था, छोटे छोटे वर्गों में हम बटे थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में हम विभाजित थे, हमारे पास कोई नियम कानून नहीं था। था क्या? तो बस ये था कि हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के हम सर्वे सर्वा, इतना क्षेत्र मेरा सुरक्षित रहे, इतना क्षेत्र सुरक्षित रहे। आज आपसे कोई एक क्षेत्र, भारत के किसी कोने का ऐसा क्षेत्र जिसका यूज भी ना हो, कह दिया जाए आप किसी अन्य देश को दे दीजिए, आप हो हल्ला मचा देते हैं, आप डेमोक्रेट की बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा राज्य है और हम देंगे नहीं। इसका मतलब भारत क्या है? तो भारत आपके दिल में बसने वाला वो राष्ट्र राज्य है जिसके लिए आप जीते और मरते हैं। पहले यह उदाहरण नहीं थी, पहले था क्या कि चलिए ठीक है, मैं मारवाड़ प्रांत का हूं, मैं प्रयागराज का हूं, मैं अवध का हूं, मैं कौशाम्बी का हूं, तो केवल उतने क्षेत्र को हम देखते थे। आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपको पता चल जाता है कि उत्तराखंड में इस प्रकार का सैलाब आया है, तो आपके मन में ये चीजें नहीं आती हैं कि वहां पर ऐसा हुआ है तो हमारे नहीं है, आपके मन में तत्काल आता है वो हमारे हैं।
जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी पे कहीं हमला होता है, भले आप उस राज्य के ना हो, लेकिन आपके मन में एक क्रोध आता है कि जिसने हमारे क्षेत्र में एंट्री करने की कोशिश की, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये क्या है? ये आपकी राष्ट्रीय भावना बताती है, जो संविधान के माध्यम से आपके अंदर ये भावना आई। अगर संविधान ना बना होता, अब सवाल, अगर संविधान ना बना होता तो हमें यह ना पता चलता कि शिक्षा पाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, एकांत रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये एक अधिकार होता है। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, ये पाने का अधिकार मेरा एक मौलिक अधिकार है। व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार भी कुछ अधिकार होता है, आपको ये पता ना चलता। वही जीवन भेड़ बकरियों की तरह हम लोग जी रहे होते और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास कुछ अपने मौलिक अधिकार हैं, ऐसे अधिकार जो हमें विकास की ओर ले जाते हैं, जो हमें पशु और मानव में फर्क बताते हैं। तो ये किसने बताया? ये आपको, हमको संविधान ने बताया। और ये संविधान जो हमने अब तक पढ़ा, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब हम जब पढ़ेंगे तो हम कहां को पढ़ेंगे, सबसे पहले संविधान की जो आवश्यकता पड़ी उसकी आधारशिला कहां थी। तो अब तक मुगल काल के पहले के जो वंशज थे, जिन्होंने हमारे भारत पे आक्रमण करके हमें गुलाम की बेड़ियों में बांध रखा था, इसके बाद जब अंग्रेजी शासन आया, ब्रिटिश शासन आया, वहां से जो हमारे भारत ने मोड़ लिया, हम उस पर चर्चा करेंगे। कहां 1600 ईस्वी का कालखंड, जब इंग्लैंड से एक कंपनी आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में सूरत में वो कारखाना खोल रही है, और कारखाना खोलने के साथ ही किस प्रकार वो नियम कानून अपना बनाना शुरू करेगी, जिसके कारण हम 1947 तक आएंगे, उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर हम संविधान सभा पढ़ेंगे। यानी संविधान हमने पढ़ लिया, क्या है हमने ये जान लिया, अब संविधान बनाया क्यों जाता है और संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है, उस सीढ़ियों को पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रस्तावना, जितने जितने आपको मैंने अभी बताया था, वो सारी चीजों पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना, मैंने फिर इस बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि एक बार जरूर आप लिंक देखें, नंबर देखें और बात करें, आपको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर होंगे। और इसके अलावा नियमित कक्षाएं आज से प्रारंभ है, ऐसा नहीं कि कक्षाएं बाद में प्रारंभ होंगी। जो वीडियो आपके लिए जाना था कि हम ये कार्य ऐसे ऐसे करेंगे, वो हमारा जा चुका, हमें उस वीडियो पे अब कार्य नहीं करना, हमें आपके लिए नियमित कक्षाएं लेकर चलना है जो आपको सफलता की ओर ले जाए, और हमारी यही कोशिश रहेगी। डेली सिलेबस, सिलेबस से थोड़ा सा अधिक चीजें आपको मिलती रहेंगी, ये हमारे कोचिंग का वादा आपके साथ है। पढ़ते रहे, हम लोगों के साथ जुड़े रहे, सबसे अच्छा तरीका आपके सफल होने का यही होगा। थैंक यू सो मच।